अभी तक हमने जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए उसको एक्सप्लेन किया था, ओके, और उससे रिलेटेड कई प्रॉब्लम की थी कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब हम जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसके लिए हम इक्वेशन ऑफ स्टेट फाइंड आउट कर रहे थे, उसका हम एक स्पेशल केस लेके चलते हैं जिसमें आता है आपका स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इसमें क्या होगा कि सपोज हमारे पास क्या है, दो रिजिड सपोर्ट हैं, इनके बीच में हमने क्या किया, ये आपके नोड्स हैं जिन पे वायर लगा हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी एल डिस्टेंस है। सपोज हमारा टेम्परेचर टी है, देन इसके अंदर जो फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स, वो फोर्स सपोज आपका एफ है, ओके। सो इस वायर का जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो कौन डिफाइन करेगा, आपका जो फोर्स है, जो टेंशन फोर्स होगा वही तो डिफाइन करेगा। अज्यूम करते हैं कि आपका जो टेंशन फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एल और टी, और तो क्वांटिटीज है नहीं। सपोज करते हैं कि जो प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो आपकी एक तरीके से कॉन्स्टेंट है इस सिस्टम में। अब देखिए, अगर इसका मैं एग्जैक्ट डेरिवेटिव करता हूँ, देन देखिए क्या आएगा कि डी एफ इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एल डेरिवेटिव करते हैं, कॉन्स्टेंट टी रखना है, सो डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा एल कॉन्स्टेंट टी इंटू डी एल, प्लस उसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू टी करना है और आपका एल कॉन्स्टेंट रखना है डी टी, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है, ओके, एग्जैक्ट डेरिवेटिव के लिए, ओके। अब देखिए, अगर इस सिस्टम के ऊपर अगर जो टेंशन फोर्स है सपोज वो नहीं लग रहा, इट मीन्स किसी भी तरीके का टेंशन नहीं है, ये आपका जो वायर है एक तरीके से फ्रीली रखा गया है, ओके, इट मीन्स जो डी एफ है इज इक्वल टू जीरो। ये सिर्फ एक कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं और इसका कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे इससे, ओके। सो अब देखिए हमें यहाँ से इससे क्या मिलेगा, इस कंडीशन से कि इसको जैसे ही जीरो कर सकता हूँ, ये क्वांटिटी है ये आपकी इस साइड आ सकती है, इट मीन्स डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये आपका क्या है, कॉन्स्टेंट लेंथ के ऊपर है, इंटू डी टी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, किसके इक्वल हो जाता है, डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा एल कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है इंटू डी एल। अब देखिए, अगर हम डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी करते हैं, ओके, देन हमें किसका वैल्यू मिलेगा, यहाँ से देखिए माइनस डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा एल, और ये आपका टेम्परेचर यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, इंटू देखिए डी एल डिवाइडेड बाई डी टी, ओके, ये आपका कॉन्स्टेंट आपका किस पे है, कॉन्स्टेंट एफ पे है, कि आपका एफ जो है वो चेंज नहीं हुआ। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन में ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर हमें पता लग जाए, देन ये वैल्यू पता लग जाएगी, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, ओके। सो ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें दो टर्म्स हैं उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहली टर्म आती है आपकी आइसोथर्मल यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्लीटली लिख सकते हो आप। ये इसका वैल्यू हमने चेक किया था कि y इज इक्वल टू होता क्या है, कि आपका फोर्स पर यूनिट एरिया कितना होता है डिवाइडेड बाई आपका जो एरर कितना आता है उस सिस्टम में। सो यहाँ पर करेंगे तो फोर्स कितना है, एफ, सो डेल एफ सपोज हमारा फोर्स था, और यहाँ पर वन डिवाइडेड बाई ए कर देते हैं, ओके, और डेल्टा एल सपोज उसमें एरर था, डिवाइडेड बाई एल करते हैं, सो एल आपका क्या चला जाता है, यहाँ चला जाता है। सो हमारे पास रिलेशन क्या आया, ये जो है ये आपका कहाँ पर है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर लग के चल रहे हैं, सो डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल एल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू कितना आया, ए इंटू वाई डिवाइडेड बाई एल, कुछ इस तरीके से वैल्यू है ना। सो एक वैल्यू हमें यहाँ से मिल रहा है, ये वाला वैल्यू। सेकेंड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू के लिए हम सेकेंड टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड टर्म क्या होती है, ये होता है आपका लीनियर एक्सपेंशन, इसके अंदर जो लीनियर एक्सपेंशन में जो कोफिशियंट है इसका, उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू
ये क्वांटिटी है ये बताता है कि आपका जो एरर है या फिर जो एक तरीके से जो चेंज इन लेंथ है, ओके, लीनियर एक्सपेंशन है, वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। इट मीन्स डेल एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, अब इस केस में एफ आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब देखिए इस वाले केस में डिवाइड बाई एल भी होता है, बिकॉज ये जो है एक तरीके से फ्रैक्शन बता रहा है कि कितना जो एक तरीके से एक्सपेंशन का एरर है वो कितना है। ओके, अब देखिए यहां से मुझे क्या मिल सकता है, डेल एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ओके, एफ इज इक्वल टू यहां से एल्फा इंटू एल मिल सकता है। अब देखिए ये वाली वैल्यू मेरे को मिल जाती है ना, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ पे मिल जाती है ये वैल्यू। अब देखिए दोनों वैल्यूज को, ये वाली और ये वाली, दोनों वैल्यूज को इस टर्म में पुट करते हैं, देन देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट लेंथ, ओके, एंड इज इक्वल टू नेगेटिव साइन। अब दोनों का सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देन एल से एल आपका कैंसिल हो जाता है, तो माइनस ए वाई इंटू एल्फा ये वैल्यू आ जाती है। अब देखिए इस वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं कहां पर, ये देखिए ये वाला टर्म सेम है, इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे हम, सो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अब देखिए और कौन सी टर्म चाहिए हमें, ये वाला डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल एल, ये कहाँ पर है, डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल एल जो हमने अभी फाइंड आउट किया था यहाँ पर, ये रहा डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल एल कॉन्स्टेंट, ये वैल्यू है। सो दोनों वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, इस इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी, जिससे हमें जो टोटल चेंज है, जो एक तरीके से जो टोटल फोर्स लगेगा उसके अंदर पर यूनिट लेंथ या बोल सकते हो, ओके, या फिर टेंशन फोर्स जो है वो आपका कितना चेंज हो जाएगा अगर आप क्वांटिटीज को चेंज करते हो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और लेंथ। ओके, सो यहां से जो चेंज है डी एफ है वो किसके इक्वल हो जाता है, डी एफ इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू पुट कीजिए, डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल एल, ये रहा यहां पे वैल्यू देखिए, ए वाई डिवाइडेड बाई एल इंटू डी एल, प्लस यहाँ पे माइनस साइन आएगा बिकॉज ये क्वांटिटी है ये आपकी नेगेटिव है, ओके, सो माइनस ए वाई इंटू एल्फा इंटू क्या आ जाता है, डी टी। ओके, सो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारा क्या आ जाता है एक तरीके से, या फिर बोल सकते हो आप इक्वेशन ऑफ स्टेट ही बोल सकते हो इसको, ओके, इस सिस्टम के लिए, ओके, कि आप चेंज कितना होगा टेंशन फोर्स में वो निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू डेल एल और डेल्टा टी। ओके, अब सुपोज इसके अंदर किसी भी तरीके का अगर सुपोज लेंथ चेंज नहीं होता है, देन फर्स्ट केस आता है इसका, स्पेशल अगर केस कंसिडर करता हूं, देन फर्स्ट केस क्या आएगा, इफ डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो, इट मींस उसकी लेंथ में किसी भी तरीके का आप इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हो, ओके, देन उस केस में क्या होगा, जो डेल एफ है जो फोर्स कितना इंक्रीज होगा वो इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए यहाँ पर हमने किसी भी तरीके का लेंथ में चेंज नहीं किया है, ओके, सो यहाँ से ये टर्म आपका जीरो हो जाता है, देन देखिए माइनस ए वाई इंटू एल्फा इंटू डी टी। सो इस तरीके से जो है वो आपका सिस्टम वेरी करेगा कि आपका जो सुपोज एफ टू माइनस एफ वन है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, माइनस ए वाई एल्फा इंटू टी टू माइनस टी वन। अब देखिए ये नेगेटिव साइन है ये अंदर की साइड जाएगा, तो एफ टू माइनस एफ वन इज इक्वल टू देखिए ए बाई एल्फा टी वन माइनस टी टू। ओके, अब इस क्वांटिटी को ध्यान से देखिए, इस रिलेशन को ध्यान से देखिए कि सुपोज कि मैंने एफ टू को क्या किया, इंक्रीज किया, ओके, एफ टू को जैसे ही इंक्रीज किया तो ये रिलेशन इंक्रीज होगा, ओके, ये रिलेशन भी इंक्रीज होगा, ओके, पर टी वन पिछले वाले केस में था तो ये वैल्यू इंक्रीज होने के लिए टी टू का वैल्यू कम होना पड़ेगा तभी तो वैल्यू ज्यादा होगा, ओके, इट मीन्स जैसे ही आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, ओके, या फिर बोल सकते हो कि जो आपका टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर देते हो, देन जो फोर्स है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, ओके, एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया ना थोड़ा, कि यहाँ पर नेगेटिव साइन की वजह से ही तो आया है ये सब कुछ, कि
जैसे ही आप ये इंक्रीज करोगे एफ टू, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होना पड़ेगा। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। एक तरीके से आप कुछ ऐसा बोल सकते हो कि जैसे आपका एफ इंक्रीज करेगा, टी आपका डिक्रीज करेगा। ओके अब इसके अंदर सेकेंड केस क्या हो सकता है, स्पेशल केस, सेकेंड केस अगर हम कंसिडर करें, सेकेंड केस आता है कि अगर आप टेम्परेचर में किसी भी तरीके का चेंज न करो, इट मीन्स आपका जो डी टी है वो इज इक्वल टू जीरो, या फिर बोल सकते हो आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोल सकते हो इसको। ओके आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसमें क्या होगा, देखिए डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म आपका जीरो चला जाता है। देन देखिए डेल एफ इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई एल इंटू डी एल। इसको सही से लिखते हैं, डी एफ इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई एल इंटू डी एल। ओके अगर आपको डी एल का वैल्यू दिया गया है देन वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके और ये सब क्वांटिटी अगर आपको दी गई है तब तो ठीक है। ओके बट अगर आपको सपोज एल का वैल्यू न दिया जाए, ऐसा कुछ हो कंडीशन में, देन आप सिंपली वैसे ही करोगे कि एफ इज इक्वल टू जस्ट सिंपल इंटीग्रल करना है इसका। ओके सपोज एफ वन टू एफ टू में एफ वन एफ टू दोनों की वैल्यू दी हुई हो कि आपका फोर्स इतनी वैल्यू से इतनी में इंक्रीज कर रहा है, एल का वैल्यू नहीं दिया गया हो और जो डी एल है उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एल वन एल टू आपको दिया हुआ हो। ओके देन उस केस में क्या होगा कि आप एवरेज करके एल रखोगे तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। ओके बिकॉज अगर सपोज हमारा जो वैल्यू है वो 10 और 15 में ऐसे चेंज किया, तो एवरेज करोगे ना तो आपका 12.5 आ गया, जो कि एक तरीके से रॉन्ग है करना। देन उस केस में हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे कि आपका जो f है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है ए वाई, अब देखिए ए वाई तो आपका कॉन्स्टेंट आ जाता है, इंटू यहां से आपका जो l है और ये है, ये आपका ln l बना देते हैं और लिमिट आपकी क्या होगी, लिमिट आपकी क्या होगी l1 टू l2, सो l1 टू l2 करेंगे देन ये आपका l2 डिवाइडेड बाई l1 इस तरीके से आ जाता है। ओके और ये आपका क्या जाएगा f2 माइनस f1। सो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो अगर आपको एग्जैक्टली एल का वैल्यू नहीं दिया गया। अगर एल का दिया गया है, डी एल का दिया गया है, तो सारी वैल्यूज आपको जस्ट क्या करनी है, पुट करनी है। और यहां पर ये जो एरिया है, ये जो ए हमने लिया है ना, ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, किसका होगा, वायर का होगा। कि ये जो वायर है इसका सर्कुलर जो होगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से वायर है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला यहाँ पर एरिया है। ओके सो इस तरीके से आप क्या है, दोनों रिलेशन से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि किस तरीके से आपका जो टेंशन फोर्स है वो कैसे चेंज होगा जब आप टेम्परेचर कैसे चेंज करते हो, या फिर जो लेंथ है वो कैसे आप चेंज करते हो उस हिसाब से। ओके सो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था आपका किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए, इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए। ओके अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं, तब हमें आसानी होगी समझने में कि कैसे इन इक्वेशंस का यूज करेंगे ओके फिजिकली। ओके सो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें एक सोनोमीटर जो है उसका टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस पर, उसको क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। ओके सो T1 हमें पता लग गया, सो यहाँ पर लिख देते हैं कि T1 जो है वो इज इक्वल टू कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। एरिया ऑफ वायर, एरिया हमको दिया गया A 0.85 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। F1 इट मींस जो आपका टेंशन फोर्स लग रहा था एक एंड पे वो आपका था 20 न्यूटन। F1 का वैल्यू हमें दिया गया, वायर लेंथ हमें दिया गया 1.2 मीटर। ओके इफ टेम्परेचर इज रेड्यूस्ड टू 8 डिग्री सेल्सियस, इट मींस T2 इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस, सो डेल्टा टी जो है वो इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 12। ओके 12 डिग्री केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो। ओके अब हमें F2 फाइंड आउट करना है और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है वाइब्रेशन का। हमें दिया गया अल्फा है, वाई का वैल्यू दिया गया है और डेंसिटी दिया गया है। ओके सो
सबसे पहले इस सिस्टम में क्या देखते हैं हम कि जो वायर है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस में क्या है, स्ट्रेच्ड है। सो उस केस में क्या होगा कि आपका किसी भी तरीके का लेंथ में हम चेंज नहीं कर रहे हैं। सो इट मींस जो डेल्टा एल है वो इज इक्वल टू जीरो है। सो उस केस में हमारा इक्वेशन क्या बन जाता था कि जो डेल्टा एफ है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता था, ए अल्फा इंटू वाई, और यहाँ पर आपका क्या जाता टी वन माइनस टी टू आता था, और यहाँ पर आपका एफ टू माइनस एफ वन आता था। ओके, इट मींस क्या है कि टी वन आपका कितना है 20, टी टू आपका क्या है 8। इट मींस अगर आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हो, देन आपका जो फोर्स है वो इंक्रीज करेगा। ओके, वो यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं कैसे कि इसका वैल्यू क्या रखेंगे, ए का वैल्यू कितना दिया गया 0 पॉइंट जो भी है अपना वैल्यू पुट करो, अल्फा का वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यूज आपको एमकेएस में दी गई है, वाई का वैल्यू है, टी वन माइनस टी टू कितना आ गया 12 आ गया। सो जब भी आप क्या करोगे एफ टू माइनस एफ वन कैलकुलेट करोगे तो वो आपका 31 न्यूटन आ जाता है। बट हमें क्या करना है, हमें तो ये एफ टू निकालना है, तो एफ वन हमें पता है, सो एफ टू इज इक्वल टू एड कर देंगे तो ये 51 न्यूटन हो जाता है। 20 न्यूटन इसमें क्या किया, एड करना है सिंपली। सो यहाँ से फर्स्ट जो हमारा एम था वो हमने क्या हम कंप्लीट कर दिया। सेकंड देखते हैं फ्रीक्वेंसी, उसका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है कि किस फ्रीक्वेंसी से आपका जो वायर है वो वाइब्रेट करेगा। सोनोमीटर के केस में जो आपका एक तरीके से जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसका फॉर्मूला होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट एफ डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। स्मॉल एम जो है ना वो आपका होता है मास पर यूनिट लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, कैपिटल एम अगर आप करोगे तो वो क्या होता है, टोटल मास। टोटल मास होगा इस वायर का जो लेंथ हमें दिया गया है 1.2 समथिंग दिया गया है ना, तो उसका मास, टोटल मास तो कैपिटल एम होगा, बट हमें क्या चाहिए, पर यूनिट लेंथ चाहिए मास। ओके, टोटल मास कैसे कह सकते हैं, टोटल मास हम कह सकते हैं कि आपका डेंसिटी सपोज इतना है इनटू आप वॉल्यूम करोगे, देन आपके पास मास आ जाएगा टोटल। वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, एरिया इनटू जो डिस्टेंस होगा, बिकॉज एक तरीके से सिलेंडर ही तो है। ओके, सो ये एरिया अगर हमें पता लग गया तो लेंथ से मल्टीप्लाई करते ही वॉल्यूम मिल जाएगा। सो रो इनटू ए इनटू एल, ओके, ये तो आपका कैपिटल एम आ जाता है। बट हमें क्या करना है, स्मॉल एम फाइंड आउट करना है। स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एल, यहाँ से एल का डिवाइड करोगे तो रो इनटू ए ही तो आता है। ओके, सो यहाँ से हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ, अब देखिए आप जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों केसेस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ टू के लिए भी एफ वन के लिए भी। हम एफ वन के लिए देख लेते हैं। ओके, एफ जो है वो आपका क्या है, एफ वन है डिवाइडेड बाई रो इंटू क्या है, रो इंटू डी डेंसिटी, डी सपोज इसका डेंसिटी था रो, रो नहीं रो, रो इंटू सॉरी एरिया, रो इंटू एरिया। एरिया आपका फिक्स रहने वाला है, डेंसिटी फिक्स रहने वाला है, लेंथ, सो एक तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है वो एल और एफ का एक तरीके से फंक्शन होगा। ओके, सो आपको क्या करना है, जस्ट डायरेक्ट सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है, सारी एमकेएस में वैल्यू दी गई है। ओके, और आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा 21 हर्ट्ज। जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, उसी तरीके से आप टू भी क्रॉस चेक कर सकते हो।